दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस जानलेवा वायरस की वैक्सीन ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिनों रात लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी कोरोना पीड़ितों के लिए नाक के जरिए ली जाने वाली एक विशेष वैक्सीन तैयार कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और वैक्सीन निर्माता कंपनी फ्लूजेन के वायरोलॉजिस्ट ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर इस जानलेवा वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। इस वैक्सीन को कोरोफ्लू नाम दिया गया है। कंपनी ने इसके निर्माण करने के लिए परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोफ्लू वैक्सीन फ्लूजेन कंपनी की फ्लूवैक्सीन M2SR के आधार पर विकसित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है, फ्लू की M2SR वैक्सीन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के वायरोलॉजिस्ट और वैक्सीन निर्माता कंपनी फ्लूजेन के संस्थापकों योशिरो कावाओका व गैब्रियल न्यूमैन ने इजाद की थी। इस वैक्सीन के विभिन्न परीक्षणों में 3 से 6 माह का वक्त लग सकता है। एक बार तैयार होने के बाद इस वैक्सीन की एक बूंद कोरोना मरीजों की नाक में डाली जाएगी। यह वैक्सीन मनुष्यों के लिए पूरी तरह सुरक्षित होने